जंगली लोग, जंगल में रहने वाले और जंगल राज में पैदा होने वाले, और नौवा फेल जिसका माँ बाप दोनों आदमी जो है मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हमने नौकरी दिया है। उन्होंने किसको नौकरी दिया है बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है। जिस शब्द का इस्तेमाल तेजस्वी यादव करते हैं, उसी शब्द का इस्तेमाल मैं इस चैनल के माध्यम से कर दूं ना तो आपको खुद बुरा लग जाएगा। नित्यानंद राय जी के लिए तेजस्वी यादव कहे थे कि बिहार में सबको ठीक कर दिया जाता है, मतलब लाठी से बिहार में सरकार चलाएंगे। आप देखिएगा, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं तो उनकी गाड़ी पे लिखा रहता है 400 पार। कांग्रेस के गाड़ी पे लिखा रहता है क्या कि 50 पार, 60 पार, 70 पार, 100 पार, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो कितना पार होंगे। कहीं पार होते 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 पीओके मत चले जाए। हेलो एंड वेलकम टू नो द नेशन, आई एम दिव्या सिंह शर्मा। आप देख रहे हैं इलेक्शन वाइब चेक विद दिव्या, और हम आज हैं चंडीगढ़ में। नो द नेशन आई है चंडीगढ़ के कैंडिडेट के कैंपेन को ट्रेड करने, और यहाँ पे हैं मनीष कश्यप जी हमारे साथ। आइए इनसे जानते हैं कि चंडीगढ़ के क्या हाल हैं। वेलकम टू आवर चैनल। संजय टंडन जी है चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ के बेटा हैं, और चंडीगढ़ में उन्होंने काम किया है, बहुत दिनों से काम किया है, और चंडीगढ़ का हर एक व्यक्ति जो है उन्हें जानता है। और उनके खिलाफ जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, पिछले दो बार से दो अलग अलग लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, और इस बार जो है तीसरे लोकसभा चंडीगढ़ में आए हैं। पंजाब में दो अलग अलग जगहों से लड़े और वहां के लोगों ने जब भगा दिया तो उसके बाद से अभी चंडीगढ़ आए हैं। तो यहां की स्थिति यही है कि पिछले बार जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी किरण खेर जी, वो 60,000 प्लस वोट से जीती थी, और इस बार जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो 1,00,000 से ज़्यादा वोटों से जो है चुनाव जीतने वाले हैं, और 400 पार का जो लक्ष्य है एनडीए का, उसमें जो है चंडीगढ़ जो है वो सहयोग करेगा। बिहार का माहौल तो आप जानते ही हैं, आपने देखा ही, और आपने दर्शकों को बताया भी है आपके चैनल के माध्यम से। हमारे चैनल के माध्यम से प्लीज़ आप बताएंगे कि बिहार में अभी क्या माहौल है। देखिए, बिहार में अभी पिछली बार 2019 में जब चुनाव हुआ था तो 40 में से 39 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और एक सीट जो किशनगंज हम लोगों ने लूज किया था, वहाँ पे लगभग 55% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, और उस मुस्लिम मतदाताओं को जो है विपक्ष की सरकार ने और विपक्ष के नेताओं ने गुमराह किया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है आप लोगों के खिलाफ है, आप लोगों को भगा देगी, पाकिस्तान भेज देगी। लेकिन जब किशनगंज के मतदाताओं को पता चला कि नहीं, मोदी जी ने तो हमारे लिए शौचालय बनाया, 3 तलाक हटवाया, हमें हमारी बहन बेटियों को जो है सम्मान दिया, और हमारे लिए जो है पक्के का मकान दिया, उज्ज्वला योजना दिया, किसान सम्मान निधि दिया, हमारे घरों में बिजली पहुँचाया और हमारे लोगों को सुरक्षित किया, तो वो जो मुस्लिम मतदाता है किशनगंज के, वो भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के साथ है। तो इस बार जो है बिहार में 40 में से 40 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि बिहार ने 2005 से पहले वो दौर देखा है जब आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग या कोई भी व्यक्ति जो है उसका किडनैपिंग कब हो जाता था कोई गारंटी नहीं, जंगल राज हुआ करता था, और तमाम तरीके के न्यूज चैनलों ने और अखबारों ने भी ये छापा है कि बिहार में जंगल राज, बिहार में जंगल राज 1990 से लेकर 2005 तक। उसके बाद से जब जब तेजस्वी जी की सरकार जो है जदयू के साथ आई, तब तब किडनैपिंग बढ़ा, तब तब हत्याएं बढ़ी। तो इस वजह से बिहार के लोगों ने ठाना है कि इस बार जो है 40 में से 40 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को देंगे। जंगल राज के बारे में तो हमने सुना है, मैं खुद बिहार से हूँ तो हम जानते हैं, और हमारे पिताजी से सुना है कि कैसा होता था वहाँ पे। अब जो बीच में जो ये 1-1.5 साल के लिए जो जेडीयू चली गई थी आरजेडी में, उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या वोटर्स को? मैं बताना चाहता हूँ, 2005 से लेके 2024 यानी लगभग 19 साल के बीच में जो है 2012 से खटपट चालू हुआ, 2013 में जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री बन गए, भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष में आ गई। उसके बाद से 2017 तक चला, लगभग 4.5 साल तक चला। उसके बाद से फिर 2020 में चुनाव हुआ, और 2020 में चुनाव हुआ फिर 2021 में नीतीश कुमार जी जो है वो दूसरे पार्टी में चले गए, फिर 2024 में जनवरी में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। तो ये पॉलिटिकल अनस्टेबल स्टेट हो गया था 2012 से लेकर 2024, मतलब पिछला 12 साल बिहार में किसकी सरकार कब बन जाएगी कोई गारंटी नहीं था। लेकिन अब गारंटी है कि जदयू और बीजेपी की सरकार रहेगी, चिराग पासवान जी जो है सहयोगी रहेंगे, उसके अलावा अनेकों पार्टियां जो है सहयोगी रहेगी, तो अब पॉलिटिकल स्टेबल स्टेट है। तो पॉलिटिकल स्टेबल स्टेट में लोग जो है स्टेबल पार्टी को वोट करते हैं, तो स्टेबल पार्टी बीजेपी है, जदयू है, चिराग पासवान जी की पार्टी है, और वोट मिलेगा और हम लोग जीतेंगे। लेकिन आपने जो बोला कि वो 17 महीना का दौर, तो उससे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन इतना असर लोकसभा में नहीं पड़ेगा जिससे जो है हम 40 में से 40 सीट ना जीत सके, 40 में से 40 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। कुछ कोर बीजेपी सपोर्टर्स हैं जो लग रहा है शायद नाराज़ हैं इस चीज़ से,
उनके लिए आपका कोई मैसेज? नहीं, देखिए, बीजेपी कोर सपोर्टर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से नाराज नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में जो है आधे से अधिक तो स्वयं सेवक हैं, वो जो आरएसएस से आए हों या विद्या मंदिर से पढ़ के आए हों या स्वयं की इच्छा से देश की सेवा करने का भावना जो है अपने आप अंदर अपने अंदर डेवलप कर लिया हो, तो स्वयं सेवक जहाँ रहते हैं ना वो कभी नाराज नहीं होते हैं। उन्हें जो काम दिया जाता है राष्ट्र हित में वो वहाँ पे जाके जो है मजबूत करना शुरू कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है। हाँ, लेकिन एक अप्रत्याशित रूप से सब शौक थे जब नीतीश कुमार जी जो है तेजस्वी यादव को छोड़ के बीजेपी में आए तो वो शौक थे कि फिर से नीतीश कुमार जी जो है स्विच तो नहीं करेंगे ना, लेकिन नीतीश कुमार जी आश्वस्त किए हैं कि अब जो है हम यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, फेविकॉल और फेविक्विक के जैसा जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जदयू गठबंधन का जो है जोर है, और अब बिहार में जंगल राज नहीं आएगा। 2025 में भी हम लोग जो है 200 से ज़्यादा सीट जीत रहे हैं। तो चंडीगढ़ और पंजाब में आपको तो क्या माहौल लग रहा है? देखिए, पंजाब में केजरीवाल की सरकार ने लोगों को ठगने का प्रयास किया और महिलाओं को कहा कि 1,000 रुपया देंगे, पंजाब को 4 महीना के अंदर नशा मुक्त कर देंगे। देखिए, भगवत मान का तो आप लोगों को पता ही है, संसद भवन में जो है दारू पी के चले जाते हैं, हालांकि वो सस्पेंड भी हुए थे, और हमेशा नशे में रहने वाला व्यक्ति जो है पंजाब का जो है मुख्यमंत्री बन गया, और प्रधानमंत्री बनने का सपना जो है केजरीवाल जो इस देश का सबसे करप्ट नेता में से एक है वो देखने लगे। तो लोग जान चुके हैं, पंजाब के लोग भी जान चुके हैं, और पंजाब के लोगों ने ठाना है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को वहां से जिताना है, और भारतीय जनता पार्टी के बाद जो है वहां पे जब पंजाब में असेंबली इलेक्शन होगा, विधानसभा का इलेक्शन होगा, तो उस समय भी हमारा मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आप लोगों को देखने को मिलेगा पंजाब में। चंडीगढ़ का तो है कि एकदम ये चंडीगढ़ का सीरीज जो है हम लोग जो है क्लीन स्वीप कांग्रेस को करके जीतेंगे यहां से। हरियाणा में जो 10 में से 10 सीटें जो है वो हमारे फेवर में है। पंजाब में लगभग जो है हम लोग जो है 8 से ज़्यादा सीट जो है पंजाब में हम लोग जीत रहे हैं, 8 से ज़्यादा सीट पंजाब में। तो स्थिति ये है कि पंजाब में हम प्लस कर रहे हैं, हम बंगाल में प्लस कर रहे हैं, इसलिए हमने 400 पार का नारा क्यों दिया, क्योंकि बंगाल में प्लस कर रहे हैं, पंजाब में प्लस कर रहे हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हम प्लस कर रहे हैं, तमिलनाडु में जो है हम 15+ सीटें जीत रहे हैं, केरला में जो है हमारी सीटें आने वाली है, और तो ये सारा स्टेट जो है उड़ीसा जो है हम प्लस जा रहे हैं, तो ये सारा स्टेट में हम लगभग 60 से 70 सीटें जो है प्लस जाएंगे। तो इसलिए जो है हमारा जो पिछली बार एनडीए गठबंधन जो है लगभग 325 था, वो 70 सीटें प्लस होगा, तो हम अप्रॉक्सीमेट 400 चले जाएंगे। तो आपके आकलन के हिसाब से लग रहा है कि 400 पार जाएंगे? देखिए, आप लोगों का चैनल ने भी दिखाया है, तमाम तरीके का चैनल भी तो 350 पार दिखा ही रहा है, हर एक चैनल 350 पार दिखा रहा है, तो जब चैनल वालों को भरोसा है कि 350 पार जा रहे हैं, राहुल गांधी भी बाकायदा कह चुके हैं कि मोदी जी 400 पार काहे कह रहे हैं, 350 पार काहे नहीं कह रहे हैं, तो राहुल गांधी को भी भरोसा है कि 350 पार तो हम आराम से जा रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को भी भरोसा है 350 पार हम आराम से जा रहे हैं, और हमारे नेता जो गाड़ी से निकलते हैं तो उस गाड़ी पे लिखा हुआ रहता है 400 पार। आप देखिएगा, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं तो उनकी गाड़ी पे लिखा रहता है 400 पार। कांग्रेस के गाड़ी पे लिखा रहता है क्या कि 50 पार, 60 पार, 70 पार, 100 पार, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो कितना पार होंगे, कहीं पार होते 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 पीओके मत चले जाएं। ये कांग्रेस का किसी भी गाड़ी पे आप दिखा दीजिए कि उनका एक टारगेट हो कि हम जो है 100 पार कर रहे हैं, 150 पार कर रहे हैं, 200 पार कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं, वो अपने आप को जिताने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस, नरेंद्र मोदी जी ने एक चैनल पे कहा था कि हंस हंस के कहा था कि कमाल की बात यह है कि हम 400 पार के लिए लड़ रहे हैं और कांग्रेस लड़ रहा है कि 400 पार मोदी ना करे इसके लिए, तो मोदी को रोकने के लिए लड़ रहा है। तो देखिए, अगर आप सपना ठान लेती हैं कि हमें जीवन में सफल होना है तो आप सफल हो जाती है, लेकिन कुछ लोग जो है आपका टांग खींचने के लिए जो है अपना पूरा जीवन जो है व्यर्थ कर देते हैं, वैसे ही कांग्रेसी जो है भारतीय जनता पार्टी और देश के राष्ट्रवादी लोगों का टांग खींचने का प्रयास कर रहा है कि हम आप 400 पार दौड़ने का प्रयास करेंगे, हम आपका टंगरी पकड़ के खींचेंगे। तो इसलिए कांग्रेस जो है पिछली बार 48 सीट जीता था 2014 में, और 2019 में 52 सीट जीता था, और इस बार जो है उससे भी बुरा स्थिति होगा, 40 के आसपास भी शायद से कांग्रेस ही मट जाए। आखिरी सवाल मेरा आपसे बिहार के बारे में ही होगा, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ और आप भी। तेजस्वी यादव जी ने जो नैरेटिव फैलाई है कि उन्होंने नौकरियां दी थी ये 17 महीने जो आए थे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जंगली लोग, जंगल में रहने वाले और जंगल राज में पैदा होने वाले, और नौवा फेल जिसका माँ बाप दोनों आदमी जो है मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हमने नौकरी दिया है। उन्होंने किसको नौकरी दिया है बिहार के लोगों को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने मीसा भारती को नौकरी दिया। ज़रा सोचिए, एक परिवार का 4-4, 5-5, 6-6 सदस्य जो है वो चुनाव लड़ रहा है। अब ज़रा सोचिए, उन्होंने अपने भाई को नौकरी दिया,
उन्होंने मीसा भारती को नौकरी दिया, उन्होंने रोहिणी आचार्य को नौकरी दिया, लालू जी जो है एक्स सीएम का जो है पेंशन उठा रहे हैं, राबड़ी देवी जी जो है एक्स सीएम का पेंशन उठा रहे हैं, वो लोग क्या बोलेंगे। और कमाल की बात यह है कि अगर जिस शब्द का इस्तेमाल तेजस्वी यादव करते हैं उसी शब्द का इस्तेमाल मैं इस चैनल के माध्यम से कर दूँ ना तो आपको खुद बुरा लग जाएगा। नित्यानंद राय जी के लिए तेजस्वी यादव कहे थे कि बिहार में सबको ठीक कर दिया जाता है, मतलब लाठी से बिहार में सरकार चलाएंगे नित्यानंद राय जी को। ईडी और सीबीआई के लिए कहे थे कि हम ईडी सीबीआई से नहीं डरते हैं और ईडी सीबीआई भी अगर बिहार में आएगा तो उसको भी ठीक कर देंगे। मतलब क्या है कि आपको अधिकार किसी ने दिया है कि ईडी सीबीआई को जो है आप मारेंगे, ईडी सीबीआई जब जाएगा तो वहाँ पे जो है इन सारे शब्दों का प्रयोग करेंगे, अगर हिंसा हो गया तो फिर क्या। गुजरातियों के बारे में उन्होंने कहा था कि गुजराती ठग होते हैं, तेजस्वी यादव का भाषण मैं बता रहा हूँ, गुजराती ठग होते हैं, जो अंबानी हो, अडानी हो और भारत का बड़ा बड़ा बिजनेसमैन हो वो गुजराती है और उस गुजराती को जो है ये ठग बता रहे हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफीनामा डाला है, तेजस्वी यादव ने माफीनामा डाला है, माफीनामा। और अभी फिर से तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आया कि कोई गुजराती आके हमको डराएगा तो हम डर जाएंगे, हम उन सबको ठीक कर देंगे। मतलब दो राज्यों में वैमनस्य फैलाने का प्रयास धारा 353 ए और बी दोनों तेजस्वी यादव पे लगना चाहिए। मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि बिहार और तमिलनाडु के बीच में मनीष कश्यप ने हंगामा फैलाया, जबकि कहीं वहाँ पे आगजनी भी नहीं हुआ था, कहीं एक लाठी भी नहीं चला था और तमिलनाडु का सीएम साफ साफ बोले थे, एम के स्टालिन चैनल पे है, और तमिलनाडु का पुलिस बोला था कि तमिलनाडु में कुछ हुआ ही नहीं। जब तमिलनाडु में कुछ हुआ नहीं तो मनीष कश्यप क्यों जेल गया? और जब मनीष कश्यप धारा 153 बी में तेजस्वी यादव का गुंडाई के वजह से, उन्होंने मेरे साथ गुंडाई किया था, उनके गुंडाई के वजह से मनीष कश्यप अगर जेल जा सकता है तो तेजस्वी यादव वर्तमान समय में बिहार में गुंडाई कर रहे हैं और कह रहे हैं बिहार और गुजरात के बीच में हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए गुजरात में बिहारी लोग रहता है और गुजराती लोग भड़क गया और बिहारी लोगों को वहाँ पर समस्या हो गया, तब क्या होगा? तो तेजस्वी यादव को इसके ऊपर जो है तेजस्वी यादव के ऊपर केस होना चाहिए और तेजस्वी यादव को जेल जाना चाहिए। हालांकि मैंने घोषणा भविष्यवाणी किया था कि पुल गिरेगा बिहार में, पुल गिरा तेजस्वी यादव के सरकार में। मैंने बोला था कि जेल से निकलने के बाद जो है 180 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगा, 40 दिन के अंदर तेजस्वी यादव का सरकार गिर गया और चुनाव के 6 महीना के अंदर अंदर जो है ना चुनाव ये कंप्लीट हो रहा है, लोकसभा का चुनाव, ये धमकी नहीं है, उनके कुकर्मों का सजा मिलेगा, तेजस्वी यादव के कुकर्मों का सजा मिलेगा। चुनाव के 6 महीना बाद तेजस्वी यादव जेल जाएंगे क्योंकि लैंड फॉर जॉब और वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में लालू जी रहते थे। कहाँ पर रहते थे? वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में। और 7 साल मुख्यमंत्री वो रहे, 8 साल मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रही, 7 और 8 दोनों 15 साल अगर जोड़ दिया जाए और मुख्यमंत्री का सैलरी जो है अगर एवरेज 1 लाख रुपया से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 15 साल में तो भी जो है 450 करोड़ नहीं होता है और 450 करोड़ के बंगला में तेजस्वी यादव दिल्ली में रहते, तो ये सारा पाप जो है दुनिया के सामने आएगा और जेल जाएंगे। और मैं तो उन लोगों को इसलिए कहता हूँ कि जंगल राज के राजकुमार, कहे कि उन लोगों के वजह से जो है बिहार में जंगल राज आया था। आपने जंगल राज की बात की, इस क्वेश्चन पे समाप्त करते हैं ये इंटरव्यू, कि डिक्टेटरशिप का नैरेटिव फैलाया जा रहा है और आप जेल गए थे इंडी गठबंधन के राज में, जो मतलब उनके सहयोगी है उनके राज में, तो डिक्टेटरशिप के बारे में आपका क्या कहना है कि कौन है असली डिक्टेटर? देखिए, असली डिक्टेटर अगर भारत में कोई था सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू हुए, जिनके वजह से धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया। दूसरा नंबर पे कोई डिक्टेटर हुआ तो जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी हुई, जिन्होंने आपातकाल लगाया और रात के 2 बजे अकबर रोड दिल्ली में जितने भी प्रिंट मीडिया का ऑफिस था सबके ऊपर ताला लग गया, सबके ऊपर। तीसरा अगर डिक्टेटर की बात करें तो वो ममता बनर्जी हैं, एम के स्टालिन तमिलनाडु के एम के स्टालिन हैं, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल है डिक्टेटर। अगर पंजाब सरकार के बारे में कुछ भी बोल दिया जाता है दिल्ली में बैठ के तो पंजाब से पुलिस भेज देते हैं गिरफ्तार करने के लिए, और कुमार विश्वास को भी गिरफ्तार करने के लिए, तजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिए थे अरविंद केजरीवाल। तो डिक्टेटर अरविंद केजरीवाल है, जिनसे कोई सवाल अगर महिला राज्यसभा सदस्य पूछने जाती है तो उनको थप्पड़ मार के धकिया के जो है भगा दिया जाता है, तो डिक्टेटर वो है। राहुल गांधी डिक्टेटर है और असली डिक्टेटर अभी वर्तमान समय में राहुल गांधी है। मल्लिकार्जुन खड़गे डिक्टेटर हैं, जो राम और शिव को लड़ाने का प्रयास करते हैं, राम और शिव के बारे में उल्टा सीधा स्टेटमेंट देते हैं कि राम और शिव आपस में लड़ जाए, तो ये लोग डिक्टेटर हैं। अगर मोदी जी डिक्टेटर होते तो आज ध्रुव राठी जैसा जर्मन सेफर्ड जो जर्मनी में बैठ के नरेंद्र मोदी जी को बेशरम प्रधानमंत्री कहता है, उसको आज जर्मनी से उठा के टांग के जो है भारत में कहीं किसी जेल में पटक दिया गया होता। अगर डिक्टेटर होते तो एक आंख से हमेशा जो है आधी सच्चाई दिखाने वाले रवीश कुमार जो है आज सलाखों के पीछे होते।
अजीत अंजुमन जैसे लोग जो है सलाखों के पीछे होते, अभिसार शर्मा जैसे लोग सलाखों के पीछे होते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी डिक्टेटर नहीं है। बोलते हैं रवीश कुमार को कि बनाओ जो बनाना है, अजीत अंजुमन को बोलते हैं बनाओ, अभिसार शर्मा को बनाओ। वो जर्मन सैफर्ड जो ध्रुव राठी है, जो जिसके एक एक वीडियो में 50-50 गलती मैं गिना दूंगा, पूरा किसी भारत के किसी भी चौराहे पे खड़ा कर दीजिए, तो वो लोग डिक्टेटर हैं। नरेंद्र मोदी जी डिक्टेटर नहीं है, और डिक्टेटरशिप जो है विपक्ष कर रहा है, इसीलिए जो है भारत के लोग जो है अब वैसी सरकार नहीं चाहते हैं, इसीलिए तीसरी बार मोदी जी और 400 पार मोदी जी। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे साथ थे मनीष कश्यप जी, और इन्होंने बहुत सारे तीखे सवालों के बहुत सटीक जवाब दिए। आपका क्या सोचना है इन सब चीज़ों के बारे में, सारे सवालों के बारे में, अपने राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दैट्स मी दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ ऑन नॉर्थ द नेशन। स्टे ट्यून, हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट लाते रहेंगे।